नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। इन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। गुरुवार को अनुपूरक बजट पर बहस हो रही थी कि इसी दौरान अपना दल कमेरवादी पार्टी की नेता व सपा विधायक पल्लवी पटेल ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने बीजेपी के दलित पिछड़े विधायक को पंगु बता दिया। बता देते हैं, पल्लवी पटेल ने जाति गणना के मुद्दे पर बहस करते हुए कहा कि अनुपूरक बजट में अन्य धर्मों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने सवाल किया कि अब भाजपा की नजरों में उत्तर प्रदेश केवल हिंदुओं का प्रदेश है। वहीं पल्लवी पटेल यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि बजट में जैन, सिख, बौद्ध आदि समुदाय को क्या कहा गया है, वहीं नाथ समुदाय को भी कुछ नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि गरीबों और पिछड़ों को भी दरकिनार कर दिया गया है। मैं जातिवार जनगणना के लिए निजी विधेयक लेकर आई हूं, जबकि यह आपको लाना चाहिए था, क्योंकि पिछड़े और दलितों के नाम पर सत्ता लेकर आप भी बैठे हुए हैं। इनकी नुमाइंदगी करने वाले आपके सदस्य पंगु हैं। बता दें, पल्लवी पटेल के इस बयान के बाद संसद में हंगामा मच गया है। योगी सरकार में मंत्रियों ने मांगी और कहा कि इनकी मांग बेफिजूल है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि पल्लवी पटेल ने बीजेपी के दलित पिछड़े विधायकों को लेकर जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है और इसके लिए पल्लवी पटेल को सभी से माफी मांगनी चाहिए।